एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहां पर आपको 9 का मल्टीपल बोला था, यहां पर 3 का मल्टीपल बोल रहा है। ये जो 24x है ये एक नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर जो x दिया हुआ है ये x एक डिजिट है, जैसे कि 2 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, वैसे यहां पर x भी एक डिजिट है। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप सिंपल है, आप कर सकते हो। इसके एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर लिखा है 24x, एक्चुअली ये 24x नहीं है, ये 24x यानी कि 3 डिजिट का नंबर है। यहां पर x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला है ये 3 का मल्टीपल है, तो मैं यहां पर 3 का एक टेबल लिख लेता हूं। देखो क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ये मैं क्यों लिखा हूं, जब कभी भी कोई भी आपको बड़ा सा नंबर मिल जाए तो उसको अगर आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसका एक बहुत इजी तरीका है, जितने भी डिजिट आपको दिए हुए हैं उस नंबर में उन सबका एडिशन कर लो। ऐड करने के बाद में अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि 3 के टेबल में आता हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अब यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये है कि यहां पर x के जगह कुछ एक ऐसा नंबर आएगा जिसको इन सब के साथ ऐड करने पर 3 के टेबल वाला कोई एक नंबर मिल जाएगा अपन को। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां जो x है इस x का वैल्यू हम लोग को कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर लेना है, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर ही यहां पर आ सकता है, यानी कि 0 से 9 के बीच में भी कोई भी नंबर आ सकता है। 9 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा जो कि 2 डिजिट नंबर है, और x सिर्फ सिंगल डिजिट वैल्यू होल्ड कर सकता है, यहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं, यहां देखो 2 + 4 + x, ठीक है, इसको ऐड करने पर कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 के टेबल में आता होगा। 2 + 4 हो गया 6, 6 + x, अब देखो 6 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो यहां पर 3 के टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो 3 बनता तो 3 होता है, ठीक है, यहां पर 6 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं, 3 2 6 होता है। अब देखो 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर हम लोग को यहां पर 6 लाना है तो यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 हम लोग ऐड कर सकते हैं, अगर 6 में 0 ऐड किया जाए तो 6 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक। अब यहां पर देखो x के कई सारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है, आपको ध्यान देना है कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आए, वन डिजिट नंबर कोई भी आ सकता है 0 से 9 के बीच में, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या क्या नंबर आ सकता है। तो एक तो 0 हो सकता है, ठीक है, यहां पर अगर 0 पुट करेंगे 240 होगा, तो 240 3 से डिविजिबल है। दूसरा क्या पुट कर सकते हैं, देखो अगर 6 + x लिखा हुआ है और 3 3 9 होता है, ठीक है, तो यहां पर x के जगह और क्या आ सकता है, x यहां पर x में 3 x 6 में क्या ऐड करेंगे जो 9 आएगा, यहां पर x का वैल्यू 3 भी हो सकता है क्योंकि 6 + 3 9 हो जाता है, ठीक है, 9 के बाद 3 के टेबल में 12 आता है, ठीक है, तो 6 में ऐसा क्या ऐड करेंगे जो कि 12 आ जाए, 6 में अपन 6 ऐड कर सकते हैं कि 6 + 6 क्या होता है 12, तो x का वैल्यू 6 भी हो सकता है। 12 के बाद आता है 15, तो x में 6 में अपन ऐसा क्या ऐड करें तो यहां पर 15 आ जाए, 6 यहां पर x है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो 6 में अगर अपन 9 ऐड करेंगे तो 15 हो सकता है, 6 + 9 = 15 होता है, तो x का वैल्यू 9 भी हो सकता है। इसके बाद 3 के टेबल में आता है 18, 3 6 = 18, 6 में अपन ऐसा क्या ऐड करें x के जगह कि यहां पर 18 आ जाए, तो 6 में अगर आप 12 को ऐड करोगे तो 18 आएगा, लेकिन अगेन आप ध्यान दो 12 जो है 2 डिजिट का नंबर हो गया, और मैं आपको स्टार्टिंग में बताया x का वैल्यू सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, यानी कि 0 से 9 के बीच में,
तो ये वाले चीज हमको नहीं लेना है, यहां पर हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 और या फिर 9। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 16.2 का थर्ड क्वेश्चन।